बीजेपी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता पार्टी में। बीजेपी त्रिपुरा में दो ही लोकसभा सीट है, और मैं आपको यह बताता हूँ, बीजेपी नेताओं का पार्टी नहीं, कार्यकर्ता का पार्टी है। और कोई लगता है मैं नेता हूँ तो उसके लिए बीजेपी में दिक्कत आती है। मैं कार्यकर्ता हूँ और आगे भी कार्यकर्ता रहूँगा। संवैधानिक पद में सीएम हूँ, वो जो विधायक दल का नेता वो सीएम बनता है, इसलिए मैं उस दायित्व में काम कर रहा हूँ। किंतु मैं वर्कर हूँ, और जिनके दिमाग में बैठ जाता है मैं नेता हूँ तो वो बीजेपी में काम करना उसके लिए मुश्किल आती है। हमने किसी को बीजेपी से नहीं निकाला, हर व्यक्ति अपना अपना रास्ता तय करता है। मेरा जो विषय है, नरेंद्र भाई मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। त्रिपुरा से दो ही लोकसभा सीट, दोनों लोकसभा सीट में विरोधियों को त्रिपुरा के जनता जमानत जब्त करके रिकॉर्ड करके इस बार लोकसभा में भेजेंगे। ये आप आज डायरी में लिख लीजिए, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा अहंकार नहीं है। और त्रिपुरा को मुक्त मोदी जी ने कराया, 25 साल कम्युनिस्ट का सरकार थी, किसने नहीं मुक्त कराया। इलेक्शन आती थी 2013 में इलेक्शन, आज जो कांग्रेस में बहुत सारी मैक्सिमम कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ गए थे, बहुत मेहनत की है इन लोगों ने 2013 में भी। किंतु जब लास्ट में आके मंत्र देगा, मनमोहन सिंह आएगा, प्रधानमंत्री सोनिया जी आएंगे, त्रिपुरा में नहीं आ रहे थे। और संवाद मिलती है कहाँ से, मेलार मार्च से, मतलब कम्युनिस्ट की हेड ऑफिस से, जो सीताराम येचुरी ने बोल दिया त्रिपुरा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं आएंगे, सोनिया गांधी नहीं आएंगे, तो क्या मैसेज जाता है त्रिपुरा में। तत्कालीन विरोधी पार्टियाँ कमर टूट जाती थी। त्रिपुरा को किसी ने मुक्त कराया तो नरेंद्र मोदी क्या करा। मैं तो सामने अध्यक्षता, इसलिए लोगों को लगता है भाई इसने, मैंने कोई तिक्रमबाजी में कोई महाकाम नहीं किया, मैंने जनता के साथ मिलकर काम किया और आगे भी मैं कार्यकर्ता रहूँ। ऐसा आप लोग भी जब भी देखेंगे मैं नेता बनने जा रहा हूँ, मेरे को रुकिएगा, मेरे को कार्यकर्ता रहने दीजिए। और जो नेता बनने के शक में बीजेपी में आता है तो उसके लिए बीजेपी में दिक्कत आता है, इतना ही मेरा कहना। বিভিন্ন বিষয়ে ভিডিও পেতে চ্যানেল হিন্দুস্তানের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন www.youtube.com/channelhindustan।